लिफ्ट के केसेस में पॉइंट नंबर वन, अगर आप मान लो एक लिफ्ट पे हैं, लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट किस पे है, एट रेस्ट, और आप एक काम करें, आप ग्राउंड पे बैठें और ग्राउंड पे बैठ के, अर्थ पे बैठ के आप मुझे ये बताएं कि मैन आपको किस पे नजर आ रहा है, आप क्या बोलेंगे, एट रेस्ट। इस मैन का वेट क्या है, एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड इसके ऊपर लगाएगा वो कितना है, एन। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो मैन है वो किस पे है, एट रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर है, यानी कि एन किसके इक्वल है, एम जी। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। दूसरा, मैंने बताया था कि अगर लिफ्ट, लेट अस सपोज, एक्सलरेट कर रही है कहां, ऊपर की तरफ, तो अगर लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये मैन आपको कहां चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ एक्सलरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं ये बोलूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं मैन का, आप बोलेंगे मैन के ऊपर एक वेट यानी कि फोर्स एक्ट कर रही है, एम जी, मैन के ऊपर फ्लोर क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, एन। अब क्योंकि मैन कहां जा रहा है, ऊपर, और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो दो फोर्सेज हैं और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स बड़ी और नीचे की फोर्स छोटी, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की ये वैल्यू आएगी, आपको याद करनी है। तो आज के बाद अगर कोई लिफ्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका वेट एम जी नहीं रहेगा, उसका वेट क्या रहेगा, एम इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। इस वेट को बोलते हैं एपरेंट वेट, यानी कि अगर ये मैन लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन रख ले और एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर जाए तो उसका वेट एक्चुअल एम जी नहीं आएगा, उसका वेट क्या आएगा, एम इंटू जी प्लस ए, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा आएगा। और उसी तरीके से अगर मान लो लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रही है तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो एम जी नीचे और एन ऊपर, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एम जी फोर्स बड़ी और एन फोर्स छोटी, तो बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे, यानी कि एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से एन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये क्या आएगा, इसका एपरेंट वेट या नॉर्मल रिएक्शन। एन की वैल्यू जीरो आ सकती है, अगर सपोज करो आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट की रस्सी टूट गई, अब लिफ्ट नीचे आ रही है विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो मैन भी नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो यहां पर ए की जगह जी, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन लगाता है, ग्राउंड लगाता है मैन के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि ग्राउंड फोर्स नहीं लगाएगा। ग्राउंड फोर्स क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि बंदे के पैर अगर मशीन पे पड़ेंगे तब तो लगाएगा, फ्री फॉल में क्या होगा, वो भी उड़ रहा है और वो भी उड़ रहा है, लिफ्ट भी उड़ रही है, बंदा भी उड़ रहा है, कहां मशीन भी उड़ रही है, जोर तो तब लगेगा जब वो फ्री फॉल में नहीं होगा। फ्री फॉल के अंदर तो नॉर्मल रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो, तो पैर ही लगेंगे मशीन के ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन अपने आप ही जीरो। ठीक, नेक्स्ट, इसके अंदर भाई इतना ही करना है, इसके कुछ जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, कभी कभी क्या गिवन होगा, वो कहेगा कि लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है, ये सुनते ही आपको पता लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला एम इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। वो कहेगा लिफ्ट मान लो मास मैन का 10 kg है और मान लो एक्सेलरेशन नीचे आने की 2 m/s² है, रादर एक्सेलरेशन नहीं, रादर क्या गिवन है, रिटार्डेशन। जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करेगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें प्लीज, और जब न्यूमेरिकल करें तो m इंटू जी माइनस, यहां पर क्या पुट करें, माइनस 2, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला वही यूज करें, a को नेगेटिव वैल्यू के साथ पुट करते हैं आंसर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, सपोज करो आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, देखो इस टाइप की प्रॉब्लम आती हैं, आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल क्या है, थीटा, मास इस ऑब्जेक्ट का क्या है, एम, और ये रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो। तो मान लो ये डिस्टेंस एस है, तो इसके अंदर अगर मैं ये पूछूं कि कितनी एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो कितनी फोर्स से नीचे आ रहा है, हमने किया था ना एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन, तो एम जी साइन थीटा फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आ रही है, एम जी साइन थीटा फोर्स नीचे है तो एक्सेलरेशन क्या है बॉडी के नीचे आने की, जी साइन थीटा, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो कितनी एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करता हुआ आएगा, जी साइन थीटा। तो ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो कितने समय में नीचे आएगा, टाइम बताओ। तो अगर आपको इसमें टाइम की वैल्यू बतानी है, कितने टाइम में नीचे आएगा, तो आप अप्लाई क्या करेंगे,
एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो एस की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर, एस जीरो हाफ एक्सलेशन की जगह जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम की। कोई डाउट इसमें, टाइम क्लियर है कैसे आएगा, हमने किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है फिर से इंक्लाइन प्लेन है, फिर से वो इंक्लाइन है, फिर से ऑब्जेक्ट है, इस बार ये पूरा अरेंजमेंट एक लिफ्ट में है और लिफ्ट क्या कर रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट। अब बताओ कितने समय में ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, अगर लिफ्ट को छोड़ दें, हमने अभी ऊपर क्या सॉल्व किया, इतने टाइम में नीचे आएगा, सेम चीज है ये, देखो ये लिख लिया बिना लिफ्ट के, रेस्ट पे अगर लिफ्ट। अब इस केस में अगर मान लो ये नीचे आ रहा है और मान लो एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक, तो आप जहां जहां जी है वहां वहां क्या पुट करेंगे, जी माइनस से, जी की जगह रिप्लेस करेंगे जी माइनस, क्योंकि लिफ्ट वाले केस में क्या होता है, जहां जी यूज होता है जैसे एम जी, एम इंटू जी माइनस से। और अगर यही क्वेश्चन कैसा होता कि लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो आप जी की जगह जी प्लस से, क्या सही चीज है। अब कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें जी यूज होता हो और उस क्वेश्चन को लिफ्ट में डाल दें, लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो जी प्लस से, नीचे आ रही है जी माइनस से, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है यहां तक। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे, सूडो फोर्स का एग्जांपल है, बताता हूं कैसे करना है।